हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर पाल क्लासेस बाय बालेश्वर। कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 यूपी बोर्ड 10th क्लास एग्जाम में फेल छात्र छात्राएं क्या करें। यहां पर केवल 10th लिखा है, मैं बगल में 12th भी लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं 12th का भी पूरा बताऊंगा। पूरी वीडियोज आपके लिए अच्छी होने वाली है, लेकिन कक्षा 10 वाले आज अभी इसी वक्त काम करें, ठीक है। यहां पर दिया गया है, ठीक है, जो जो चीज मैं बता रहा हूं वही चीज, मतलब नियम के अनुसार 10वीं कक्षा में हिंदी के अलावा किसी एक या दो विषय में फेल होने वाले परीक्षार्थी को सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है, उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि अगर आप हिंदी में फेल हैं तो आपको फेल माना जाएगा। आपको क्या माना जाएगा? फेल। लेकिन किसी एक या दो विषय में अन्य फेल है तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा कंपार्टमेंटल एग्जाम करवा करके, ठीक है। तो प्लीज, अच्छा चलिए और मैं इसके आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा आपको। क्या करना है, यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा में अगर आप एक या दो विषय में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई विद्यार्थी मेन विषय हिंदी में फेल है तो उन्हें फेल माना जाएगा, आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए और पॉइंट देखते हैं। यहां पे अगर कोई विद्यार्थी हिंदी में पास है तो उसे पास माना जाएगा, और किसी अन्य दो विषय में फेल है तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर उन्हें पास कर सकते हैं, जिससे उनका टोटल मार्क्स में इजाफा हो जाएगा। मतलब अगर कक्षा 10 वाले हिंदी में फेल है तो उनको फेल माना जाएगा, अगर वो हिंदी में पास है और जैसे मैथ में साइंस में फेल है तो उन्हें कंपार्टमेंटल एग्जाम दिलवा करके उनको पास घोषित कर दिया जाएगा। तो हिंदी वालों का क्या होने वाला है, मैं जल्द ही आपको वीडियो दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। 12th वाले के लिए देख लीजिए, 12th वाले क्या क्या करें, 12th का भी बहुत बढ़िया है। अगर आप एक विषय में फेल हैं तो उन्हें फेल माना जाएगा। इस स्थिति में एक विषय में फेल होने उन कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे दिया गया, अगर दो विषय में फेल है तो कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते हैं अभी के नियम के अनुसार, जो अभी है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप दो विषय में फेल है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा वाले दो विषय में फेल अभ्यर्थी का कंपार्टमेंटल एग्जाम परीक्षा दे सकते या नहीं। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, बस जुलाई के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक आपके पास जारी हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन भरेगा, कैसे भरेगा, ये सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।